हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिजाबी गर्ल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहती हूँ क्योंकि मेरी वीडियोस के आजकल बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ गए। मुझे समझ नहीं आ गई कि क्यों क्या हुआ और वीडियोज़ जो है वो क्यों लोगों को पसंद नहीं आ गई और क्यों लोगों के व्यूज़ नहीं आ गए। तो गाइस प्लीज़, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों की मुझे सपोर्ट कीजिए। और आज मैंने वोटिंग पोल डाला था कि मैं किसकी वीडियो पे रिएक्शन वीडियो बनाऊं, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि जेवल की वीडियो पे ज़्यादातर वोट मुझे आए, तो इसलिए मैं जेवल की वीडियो पे रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ। इसके अलावा सोविक की वीडियो पे भी लोगों के जो हैं वो वोट आए हैं, तो मैं आज दो वीडियो अपलोड करूँगी, जेवल की भी और सोविक की भी। तो गाइस ज़रूर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को देखिएगा स्टार्ट से एंड तक। और गाइस प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो गाइस चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज जेवल के साथ क्या हुआ। अब स्वागत है टू द बजमिया के विदाउट सबसे खतरनाक वाले गेम प्ले में। तो भाई साहब, आज का गेम प्ले होने वाला है जोरदार, भाई साहब प्रोफेशनल गेम प्ले, भरपूर लूटदार और पेटीदार से लदालद। तो भाई साहब आज हम जा रहे हैं मनाली। हाँ। तो भाई साहब चलिए धंधा शुरू करते हैं। भाई साहब यार क्या ही गजब की लूट मिलती, M4 भी मिल गई। भाई भाई अरे धरती छोड़ दी, इसमें मारो भाई, मारो मारो मुझे, मारो भाई, अबे मुझे मारो भाई, अबे हमारी M4 न रह जाए, मार दो भाई हमको कोई। साला बताओ कैसा कैसा इवेंट आया, खुद को मारने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। ये बजमिया वाले हाथ धो के न्यूटन के पीछे पड़े हैं। मुझे एक बात तो समझ में आ गई है, जो इस तरह की इवेंट लाने की सोचता है ना, आई थिंक उसने कभी साइंस पढ़ा ही नहीं। साइंस में एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन, दो से भले एक, कुछ सचूलों में इसका जिक्र भी नहीं होता, पूरा का पूरा चैप्टर ही स्किप कर देते हैं, कहते ये एग्जाम में आएगा ही नहीं। तो जो लौंडे वहाँ पे पढ़ते हैं उनके लिए 2 सेकंड का मौन रख लेते हैं। तो भाई साहब हमने उनके दुखती नसों पे हाथ रख दिया है और जिस सचूलों में पढ़ाया जाता है तो उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, योर फैमिली फ्यूचर इज ब्राइट। अबे रह जाबे, कहाँ उड़ा जा रहा है ये सब। जब उड़ते हैं ना भाई साहब तो ऐसा फील होता है जैसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। तो भाई साहब यार वहाँ पर कोई ढंग का बंदा आया था नहीं जो मेरे कंपटीशन का हो, इसलिए भाई साहब हम मनाली से निकल लिए हैं अपने यूपी के लिए। तो भाई यार हम बग्गी लेके जा रहे थे डिपार्टमेंट रस करने, तभी देखते इधर बग्गी, बग्गी में 2 लौंडे। पहले तो मुझे लगा मेरे साथ साथ मेरे टीममेट की भी फटी होगी, भाई साहब देखते तो फायर करने लगते हैं, मतलब कि यहाँ पर मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो सकता था अभी। इसलिए तुम्हारा भाई ताव में बग्गी रोक के जाता है रस करने। देखो मैं आपको एक ज्ञान की बात बताता हूँ कि हम नूब होकर भी अच्छे से रस कैसे कर सकते हैं प्रो प्लेयर की तरह फुल कॉन्फिडेंस में। देखो ये सब करने के लिए कोई बड़ा काम करना है नहीं, छोटा सा काम करना है वो सब कोई भी कर सकता है, आपको थोड़ा सा प्रो प्लेयर बन जाना है, जस्ट लाइक जोनाथन या कहो जेवेल। देखा बात बात में एक बंदा मैंने ऐसे ही नॉक कर दिया। देखो इस तरह कॉन्फिडेंस रस करने की प्रेरणा मैंने ली है सचूल के एग्जाम से, भाई साहब बिना कुछ पढ़े लिखे इसी तरह फुल कॉन्फिडेंस में जाता था एग्जाम देने, बस ये लास्ट एग्जाम बचा है, ये अति उत्तम। भाई साहब लास्ट एग्जाम होने के बाद ऐसा फील आता है जैसे लास्ट को हमने ठिकाने लगा दिया है, सच में लगा दिया भाई, हल्के में लिया हो क्या आप। भाई साहब जो देखो बीच में टांग अड़ा रहा था ना उसकी किसी ने टंगिया तोड़ दी, जैसे हर एक बोर्ड को उंगली रहती है ना कहीं भी फायर करने को, वैसे इसको भी थी और उसी तरह पेला भी गया है। चलो खैर यही हमारे पास एक ही टीममेट है तो इसको रिवाइव दे देते हैं, बुरे वक्त में यही काम आएगा। अबे अबे बोर्ड कहाँ से आ गया, इसकी माँ का ना, अबे 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 बोर्ड ने नॉक किया भाई, अबे भाई अभी साला स्मोक में कैसे मार दी, बे साला फिनिश करके मानेगा, बे फिनिश कर वो का बे छोड़ दो, जो देवा रे देवा मम्मी कसम यार बोट पेल दीस यार। साला दो में से कोई भी रिवाइव करने नहीं आया, एक तो इंतजार कर रहा था मेरे मरने का, हाँ ये यही था साला, कह रहा था भाई मर जाए तो मैं रिकॉल कर दूं, फिर यार इससे जवान लड़ाना उचित नहीं था, तो यार हम कहा यार मर ही जाते हैं। अब भाई साहब हम आ गए हैं अपनी खुद की पेटी लूटने, लेकिन हमारा मेन मकसद है बोट से रिवेंज लेना। एक जवाना हुआ करता था मैं भाई साहब बंदों से रिवेंज लेता था, लेते लेते लॉबी चला जाता था, और वो जवाना आज भी चल रहा है। अब बस फर्क ये है कि मैं जानबूझकर अब रिवेंज लेने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि यार अब तुम्हारे भाई ने धंधे में थोड़ा परिवर्तन कर दिया है, अब मैं रिवेंज लूंगा लेकिन बोट से। ये यही था साला, लूट रहा है भाई हमारी पेटी लूट रहा है। अब देखो भाई साहब हम लूट पाट करके आ गए गाड़ी लेके यहाँ पर, क्योंकि यार यहाँ पर हमारे दूसरे मोहल्ले वाले टीममेट फाइट ले रहे थे, और यहाँ पर आते तुम्हारे भाई ने भौकाल जमा दिया, भाई साहब गर्दा उड़ा दिया गर्दा। अब देखो सामने बंदा हो सकता है तो भाई हम ले रहे सुरक्षा कवच जो कि भाई हमको प्रोटेक्ट करता है। अब भाई साहब हम यहाँ पर प्रोटेक्शन लगा के काफी देर से खड़े थे उसको मारने के लिए, साले ने हमारे बंदे ने उसको कार 98 से नॉक कर दिया। एक मिनट बोट मार देते हैं। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ यही कह रहा था, मेरे साथ भाई साहब अन्याय हुआ है, अन्याय। अब यार इसका न्याय कराने के लिए न्यायाधीश के पास जाऊंगा तो मेरे साथ और अन्याय होगा, क्योंकि यार मेरे साथ फिर रिक्शा वाले अन्याय करते हैं, वो साले पैसा ज्यादा ले लेते मेरे से। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर पेटी न जाए। अब भाई साहब हमारा टीममेट हमसे कहते हैं भाई सामने वाले पहाड़ी पे बंदे आ गए, उसके कहने का मोटो यह था हम लोग कोने में हो जाए नहीं तो भाई साहब पेले जाएंगे, क्योंकि यार बोट से मरने वाली बात इनको भी पता चल गई है। अब मुझे बोट से मरने ज्यादा दुख इस बात का है कि इनको कैसे पता चल गई। भाई साहब एक होती है बेइज्जती बोट से मरने,
होने वाली और दूसरी बेइज्जती होती है लड़कियों के सामने गाड़ी ना स्टार्ट होने वाली। ये दोनों चीजें इंसान को अंदर से खोखला बना देती है। चादर मोड़े लोग हमारा किल चुरा रहे बे, घुस के मारेंगे सालों को। अरे यो कैसे नौक हो गया, इतना सीरियस में तो इसको मारा भी नहीं था। सालो जब मजाक बर्दाश्त नहीं होता तो करते क्यों हो। अब यार चार में से एक किल तो हमारा फिक्स है, वो किल हमारा बंधा है। दो भाई साहब देखा, दो हो गए यार। अभी भी ये लोग कंफ्यूजन में होंगे कि यार ये तो बोर्ड से मारा, इसने क्लच कैसे कर दिया। अब देखो ये लोग अभी भी मेरे बारे में निगेटिव सोचेंगे, कहेंगे गलती से हो गया होगा। तो यार देखो अभी तीन बंदे हैं तो तीन में से तीनों को मेरे को मारना पड़ेगा। अगर देखो तीनों से मेरी फाइट हुई या तो वो जीतेंगे या तो मैं हारूंगा। तो भाई साहब यहाँ पर पुष्पा बनने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यार अगर आग में घी पड़ा तो फिर हवन तो मेरा ही होगा और मेरे टीममेट लोग स्वाहा बोलेंगे। अभी देखो सारे टीममेट हमारे बंदे ढूंढ रहे थे, लेकिन भाई साहब हम इनके पीछे पीछे थे। ये बनना चाह रहे थे मारखा तो बनने देते हैं, बन गए, बड़ी जल्दी बन गए यार। ये यही साला हमसे फिरकी ले रहा था जब हम बोर्ड से मर गए थे। आज देखो मजा आ रहा है कि नहीं। अरे हम तो जल्दी जल्दी इसलिए जा रहे हैं, उस बंदे का हमको किल चाहिए और चार नंबर भी लाइन में है ना, तो कंपटीशन बहुत है, इसलिए जल्दी जल्दी जा रहे हैं। ये लो भाई साहब एक बार में दो दो खुशियाँ, दो क्या अद्भुत खुशियाँ भाई साहब। एक तो दो नंबर की पेटी बन गई, दो दो पेटियाँ और इसमें लूट साला कुछ नहीं। अबे किचन डिनर भी हो गया। सोम दत्त पांडे देख चुंदैया तांदे, हमने दूसरा मैच लगा दिया है। और यार इस मैच में हमने एक पब्लिकली सीक्रेट मीटिंग रखी है और उस मीटिंग में हमने कुछ बड़ी बड़ी स्ट्रेटजीज बनाई है कि सब लोग अपने अपने मन से खेलेंगे। अब देखो भाई साहब हम जा रहे पहले इस कारण लेने, थोड़ा प्रोनेस की एक्टिंग भी कर लेते हैं ना, ऑस्कर वगैरह तो कम से कम मिल ही जाएगा। और यार इसमें समझ नहीं आता साला बंदों को मारे कि अपने टीममेट को मारे। टीममेट साला कहता है मार मार मार, अबे किसको मारे। तो भाई साहब हमने इसी को साले को मार दिया, तारीफ की बहाव कर दिया लोंडे ने। अब यार देखो यहाँ पर लूटने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यार अगर मान लो अच्छी खासी लूट मिल भी गई ना तो भाग नहीं पाते। सब ट्राई किया है भाई तुम्हारे भाई ने, मारो भाई मारो, इस कारण लेके जाऊंगा। UMP नहीं चाहिए अपने को, वो भी 5 MO के साथ। सो गाइस आई केम हियर विद इस कारण लेके एंड आई एम गोना टू लूटिंग। हाँ ये जम रहा है। अरे भाई हम बोर ये कह रहा हूँ, मिले तो बताना। हाँ तो भाई साहब अभी हम आ गए बहती गंगा में हाथ धोने। यहाँ पर भाई साहब बह, ये देखो बह रहा है भाई साहब। इस लौंडे ने एक स्क्वाड पेन रखी लगता है। अबे हमको कौन धोने में लगा है। अब यार लगता है कैंप करना पड़ेगा, फुटस्टेप बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सालों के फुटस्टेप सुन के ऐसा लग रहा है ये लोग हमको गन से नहीं लातों घूसों से मारेंगे। अरे भाई भाई हमारा टीममेट आ गया बे कवर देने के लिए। आ जा मेरे साथ, आ जा तू मेरे पीछे रहना, मैं तुझे कवर दूंगा। देख रहा है तेरे भाई ने दो बंदे इधर नॉक कर रखे, डर तो नहीं रहे हो ना। हाँ डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, गटर का पानी। अबे ओ तीन नंबर, ओ ऊपर, अबे कहाँ मार रहे ऊपर बे तेरे। सालो तुम लोग को खेलने की जरूरी नहीं है। तो भाई साहब इस बार हम जा रहे लौंडो से रेवेंज लेने। पिछले बार देखा था ना हमने कैसे रेवेंज लिया था बोट से। अब भाई साहब जरा सोच के देखो, जब बोट को मैंने वो हल किया था तो इनका क्या होगा। किधर है साले, कहाँ यहीं से मारा था, कहाँ भाग गया। अभी से भाई साहब अभी से लगता है भाग दौड़ शुरू हो गई। अब क्या किया जा सकता है यार, चलते हैं पेटी लूटते हैं, क्योंकि यार बंदे और टीममेट की पेटी और प्रिंसिपल की बेटी मेरे को दोनों अच्छी लगती है। अब यार मेरा धंधे में थोड़ा कमजोरी आ रही है, मेरे से पहले ये लोग कैसे लूटने में लग गए। सालों ने सभी पेटियां लूट रखी है बे। बताओ भाई साहब झूठी पत्थर उठा रहे हम। अब ये किसका बच्चा गिर गया, अबे इसको उठाओ। रिवाइव कर रिवाइव, मैं कवर दे रहा हूँ। इधर कहीं एक बोर्ड दिखा था जाते हुए, हाँ वो जा रहा है, वो जा रहा है, एक मिनट रिवाइव कर दे चार नंबर। अबे इतनी तेज कैसे भाग रहा है, बंदा है या बोट है ये। भाग गया यार, उसका पीछा करना ठीक नहीं है, रिस्क है भाई उसका पीछा करने में, पता नहीं बोट है या बंदा है। अबे रिवाइव नहीं किया, ये बच्चा रो रहा है उतनी देर से। रुक जा भाई, अगर किल चोरी हुआ साला भाग ही गया। दुख दर्द पीड़ा सब साला एक साथ आता है, साला लूट भी नहीं है और ये दोनों के दोनों नॉक हो गए। रुको भाई साहब इनको मार के मैं लूट के फिर बात करता हूँ मैं। अबे भाई भाई कितने लोग थे भाई। चलो भाई साहब एक प्लस हो गया, कॉन्करर ज्यादा दूर नहीं है, मेरे से नहीं एस डोमिनेटर से। तो भाई साहब आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। और यार आप सबको एक जरूरी सूचना दे देता हूँ, मेरे नाम से इंस्टाग्राम पे लूट मार चल रही है, ठीक है ना। सतर्क रहे, मैं किसी से पैसे और यूसी नहीं मांग रहा हूँ। और मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है। और ये बजमियाई वाले इधर दुखती नसों पे हाथ रख रहे हैं, भाई देख रहे हो। अगर भाई साहब इनकी बस चले तो ये तो जनाजे को भी DJ में ले जाए। गाइस देखा आप लोगों ने कितनी फनी वीडियो थी, कितना मजा आया देख के, और इसलिए मैं जेम्स की वीडियो को इतना लाइक करती हूँ और उनकी वीडियो पर रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि इतना मजे से वो वीडियो बनाते हैं, इतना एंजॉय करते हैं हम लोग, और इसलिए आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप भी वीडियो देखें और इंजॉय करें। तो गाइस मुझे जो है फीडबैक देते रहिए और मुझे कमेंट्स कीजिए कि मुझे आइंदा जो है उनकी वीडियो पे रिएक्शन वीडियो बनानी चाहिए। तो गाइस चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके अल्लाह हाफिज़।